गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हर रोज मेरे व्लॉग जो हैं वो कुछ यहीं से शुरू होंगे, क्योंकि यही अपना रूम है और यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हो रखी है सुबह। लेट्स सी बाहर का मौसम कैसा है। अभी बाहर आ गए अपने घर से और मौसम तो फिलहाल कल के जैसा ही है यार। कुछ ये देखो गाइज, ये है आज का मौसम, बड़ा सुहाना। और मेरे हो गया कॉलेज जाने का टाइम। ये मैच नहीं हुआ यार। देखो दोस्तों, हमारा जो समाज है ना वो बहुत ही निर्दय समाज है भाई। पता है, अगर किसी लड़की की स्कूटी स्टार्ट ना हो रही हो ना, तो 20 लड़के आ जाएंगे किक मारने। और वहीं कोई लड़का अगर बाइक चलाते चलाते गिर जाए, उसको ये सुनने मिलेगा, देख के नहीं चला रहा था, कट मार रहा था, छपरी कहीं का, ऐसा वैसा, वट एवर, सारी चीजें कहेंगे। तुम लोगों की वजह से समाज बदनाम है, तुम लोगों की वजह से ये सब चीजें होती है। इस समाज ने हम लड़कों को, या यू बोले तो मेल्स को, ऐसे इग्नोर किया हुआ है जैसी मेरी क्रश मुझे इग्नोर करती है। मतलब इग्नोर को भी इग्नोर कर दे ऐसा इग्नोर करते हैं, समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम किसको समाए हैं? इसका जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं मेरे भाई। अपने खुद ही समाज में अपनी ऐसी इमेज बनाई हुई है कि दूसरे तो छोड़ो यार, किसी को नहीं लगता कि भाई लड़कों की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन्हें भी दुख हो सकता है, वो भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। सबको लगता है लड़का यार चिल्ला, इसको क्या ही होता होगा। तो गए गाइस, थोड़ी सी ज्ञान की बातें, लेकिन फिलहाल अभी टाइम हो रखा है मेरे घर में जाने का, खाना खाने का, और कॉलेज के लिए तैयार होके कॉलेज के लिए निकलने का। दोस्तों एकदम यूनिफॉर्म लगाकर निकल पड़े हम अपने जो है वो कॉलेज के लिए। ये आ गया सामने रास्ता। जो पहले लोग देखते हैं उनको तो मेमोरी निकाल ही होगी होगी कि अर्जुन भाई यार आप इसी रास्ते से जाते थे। एग्जैक्टली गाइस, ये सामने पहाड़ दिखता है और इसी रास्ते से हम जाते अपने कॉलेज के लिए। अभी तक फिलहाल पहली गाड़ी नहीं गई है जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर आज वही मिल जाए तो बढ़िया, क्योंकि कल दूसरी मिली थी और उसमें रश ज़्यादा था। रश समझते हो ना आप लोग, भीड़ भीड़। ठीक है चलो यार, फिलहाल जल्दी जल्दी चलते हैं, पहुँचते रोड में। दोस्तों दो जो चीज़ ना मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि पहली गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए, कोई 2 मिनट लेट हो गया मैं और पहली गाड़ी चली गई। अब वेट करना हमें दूसरी का। और एक दूसरी बात गाइस, पता नहीं क्यों यार आज ना मतलब बहुत उदास उदास सा रहता हूँ यार। देखो सच्ची बात बता रहा हूँ, दिल ना डरता जैसा यार, पता नहीं हर एक चीज़ से क्या मसला है पता नहीं भाई। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ यार कि सब सही हो, बट फिर बोलते ना सामने वाले पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं भाई। क्या ही बोले यार, नहीं समझते भाई लोग, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। आपको तो बातें ऊपर से जा रही होगी, बट चलो शायद समझने वाले समझ जाए। बाकी जाते हैं यार भद्रवा, करते हैं गाड़ी का वेट, देखते हैं क्या बनता है। दोस्तों ये पहुंच गए हम भद्रवा और अभी जा रहे हैं यार यहाँ से। ये रास्ता ये आपको शाम को भी दिखाया था, मतलब कल जाते टाइम। जब इंसान पर दुख पड़ते हैं ना मेरे भाई, फिर एक ही चीज याद आती है, जय माता दी और भगवान। जब मन उदास हो और कोई समझ ना आए ना भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, जिंदगी उलझी पड़ी हो, तो मंदिर आ जाया करो भाई। सच्चे दिल से आओगे, हमेशा सही नियत रख के आओगे, भगवान जिस भी पास जाओ, माता के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, आपकी हेल्प 100% होगी। जब कोई रास्ता ना दिखे तो आ जाओ माँ के द्वार। अभी मंदिर से होके आ गया और ज्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि सच बताऊं तो मेरे को पता नहीं क्यों उस टाइम मन इतना शांत हो जाता है, मन करता है वो दिल चीज देखता रहूं, कुछ करने का मन नहीं करता शूट वगैरह। लेकिन व्लॉग भी आप लोगों के लिए बनाना आपसे वादा किया, तभी बना रहा हूं। ठीक है, बाकी माता रानी सब पर कृपा करती है यार, आ जाया करो मंदिर। इसलिए कहता हूं मैं ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ठीक है, जय माता दी लिखना ओके है, अपनी दिल के प्रति हर चीज करना ओके है, बट मंदिर भी आ जाना चाहिए। ठीक है चलो यार, मैं तो आ गया फिलहाल, अभी जा रहा हूँ वापस कॉलेज जाना अपने, या कहीं और देखते हैं। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है कॉलेज के अंदर जाने का, और एज यू नो कॉलेज के अंदर व्लॉग नहीं शूट कर सकते, तो बाहर से ही कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे कॉलेज से बाहर आके, या देखते फिर अंदर क्या सीन बनता है। दोस्तों अभी निकल गया कॉलेज से बाहर, और एक्चुअली मैं ना मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज होकर रखा है 8-10 दिनों से, अनफ्रीज ही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कॉल्स की, लेकिन अब शायद बैंक की ना ब्रांच में जाकर ही पता करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अभी थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ, और अभी जाएंगे बैंक की ब्रांच। बस पहुंच जाने चाहिए तब तक टाइम खत्म ना हो जाए यार, मतलब कि बैंक बंद ना हो जाए। दोस्तों फाइनली यार कॉलेज से जल्दी आके बैंक तो पहुंच गया, बट काम अपना हुआ नहीं यार। पता नहीं क्या ये दिक्कत हो रही है अकाउंट में, और पता नहीं यार कैसे ठीक होगा। सच बताऊं तो मतलब भाई क्या ही बताऊं यार, फिर मैं ठीक तो हो ही जाएगा। और आप लोग दुआ करो यार कि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। मुझे समझ नहीं आता भाई, इस मतलब ना सारी प्रॉब्लम्स को किसी ने अपना एड्रेस दे दिया कि जाओ भाई जाओ। ठीक है चलो यार देखते हैं, फिलहाल पहुंचने वाले हैं घर। दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था, बट
स्टिल पता नहीं क्या हो गया। तो ये व्लॉग फिलहाल यहीं तक, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।